वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी मैं हूं केवल वीजे और मैं आज आपको एम एस पावर पॉइंट के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं कि हम किसी भी वर्ड के अंदर पिक्चर किस तरह से फिल कर सकते हैं जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे टी के अंदर एक पिक्चर यहाँ पे फिल की हुई है तो किसी भी लेटर के अंदर आप पिक्चर को आपने किस तरह से फ़िल करना है ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन को अपनी स्लाइड को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकें जैसा कि मैंने एक सिंपल सी स्लाइड यहाँ पे ये यह डिज़ाइन की हुई है इसी तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पे टी भी लिखा हुआ है पैराग्राफ भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो अगर हम इसी टी के अंदर या किसी भी लेटर के अंदर कोई भी पिक्चर अगर फिल करना चाहते हैं इस तरह से तो आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्लाइड ले लेते हैं मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद हम होम पे आते हैं और उसके बाद आपने न्यू स्लाइड पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे कोई भी स्लाइड हम यहाँ पे डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे, यहाँ पे, पे ये आपको क्लिक एड टाइटल यहाँ पे नज़र आ रहा है या नीचे हम टेक्स्ट पे भी राइट कर सकते हैं ऊपर हम टाइटल में भी राइट कर सकते हैं तो आउटलाइन पे क्लिक करके एक बॉक्स को आप यहाँ से डिलीट कर लें फिर इज़ इक्वल टू राइट करते हैं और यहाँ पे हमने टाइप करना है रैन ब्रैकेट शुरू और उसके बाद वन पैराग्राफ एंड थ्री लाइन्स कर लेते हैं बेड क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं तो आपको ये आरजी तौर पर एक पैराग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें लिखा हो द क्विक ब्राउन फॉक्स ओवर द लेजी डॉग अब यहाँ पे टी को हम यहाँ से रिमूव कर करें और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आप इंसर्ट पे आ पाएंगे इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपने वर्ड आर्ट पे आना है और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ टी प्रेस करते हैं और फिर आपने इसी लेटर को उठाकर एक साइड पे लेके आना है होम पे क्लिक करते हैं होम पे क्लिक करने के बाद आप इसका फाउंड साइज़ यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं अगर मजीद से बढ़ाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल और उसके बाद आपने ब्रैकेट का यूज़ करना है तो इस तरह से आप फाउंड साइज़ का बढ़ा भी सकते हैं अब उसके बाद कोई भी अच्छा सा फाउंड इस पर अप्लाई करते हैं मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है ये ब्लैक ब्रश के नाम से हमारे पास यहाँ पर एक फाउंड पड़ा हुआ है तो मैं इसके अंदर ये पिक्चर फिल करना चाहता हूँ फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसके अंदर पिक्चर फिल हो जाए तो पिक्चर फिल करने के लिए हमने क्या करना है सबसे पहले हम इंसर्ट पे आएंगे और उसके बाद शेप पे आना है और यहाँ पे रेक्टेंगल एक क्रिएट करेंगे इस तरह से और उसके बाद आपने इंटरनेट से कोई भी मल्टी कलर की मल्टी शेड की कोई भी पिक्चर यहाँ पे बैकग्राउंड आप डाउनलोड कर लेंगे फिर इसके बाद शेप पे आप क्लिक करेंगे फिर आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और शेप फॉर्मेट पे आने के बाद आपने शेप फिल पे आना है और फिर उसके बाद आपने पिक्चर पे आना है फ्रॉम आ फाइल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद उस ड्राइव में चले जाएं उस फोल्डर में चले जाएं जहाँ पे आपके पास ये पिक्चर पड़ी हुई है जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने ये वाली मल्टी कलर शेड की पिक्चर डाउनलोड की हुई है इसको हम इंसर्ट करते हैं शेप के अंदर फिर उसके बाद आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है ऐसे और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे इस तरह से आप एडजस्ट करेंगे नीचे आपको टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है तो आप शिफ्ट के साथ नीचे वाले टेक्स्ट पे भी क्लिक करेंगे पहले ऊपर पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे फिर नीचे वाले शिफ्ट के साथ आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है एक पिक्चर फॉर्मेट है एक शेप फॉर्मेट है तो हमने शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इंसर्ट शेप के इंसर्ट शेप के ग्रुप में से आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे मर्ज शेप्स को और उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्ट आपने करना है तो जैसे हम इंटरसेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपकी वही पिक्चर यहाँ पे फिल हो जाती है और उसके बाद शेप पे आते हैं उसके बाद नो आउटलाइन हम इसे करते हैं तो इस तरह से देखें आपकी वही पिक्चर इस वर्ड के अंदर इस लेटर के अंदर फिल हो चुकी है अब इसका बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपने क्या करना है कि हम यहाँ पर डिज़ाइन पर आते हैं उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आपने आना है और पिक्चर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इंसर्ट पिक्चर पर आना है फ्रॉम ऑफ फाइल पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद उस ड्राइव में चले जाएंगे जिस ड्राइव में हमारे पास ये बैकग्राउंड पड़ा हुआ है और उसके बाद हम इसको कर लेंगे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इस तरह से फिर डाटा कॉम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद आपने होम पे क्लिक करना है और उसको आपने बोल्ड कर लेना है अगर आप यहाँ पे इस तरह का वॉल्फ लगाना चाहते हैं फॉक्स लगाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि हम इंसर्ट पे आते हैं पिक्चर पे आते हैं पिक्चर पे आने के बाद दिस डिवाइस पे हम आते हैं और उसके बाद डाउनलोड पे हम आते हैं और यहाँ पे मैंने ये फॉक्स इसमें ऐड किया हुआ था और यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इसका साइज हम यहाँ पे कम कर लेते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करने वाले हैं अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं इस पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें पिक्चर के फॉर्मेट से और उसके बाद आपने पिक्चर ट्रांसपेरेंसी पे आना है और यहाँ पे आप इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे इस तरह से तो देखिए किस तरह से कितनी आसानी के साथ हम किसी भी लेटर के अंदर कोई भी पिक्चर फिल कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं उम्मीद है आज इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए गुड बाय